आराम से बैठो। ओके, चक्कर वक्कर, फीलिंग डिजी? गुड, अब यहां बैठ के आराम से आराम करो। ईशान, जेम्स ऐसे घर आ जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। इनफैक्ट हमने ये सोचा था कि सम्राट को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वो परेशान होता। वो इधर से घर आ जाएगा हम? ईशान, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। मम्मी प्लीज, अब इतने शुभ मौके पर हम जेम्स की बातें नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा होने वाला बच्चा जेम्स जैसे लोगों का नाम तक सुने। अरे, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हमें। तुम मम्मा बनने वाली हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। दिल चाहता है बस इसी खुशी में खोया रहो। उर्मी, थैंक यू, रियली थैंक यू, रियली फॉर व्हाट? अच्छा, एक जरूरी बात मैं बताना ही भूल गया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो, क्या हुआ? आज के बाद तुम सिर्फ अपनी फोटो देखोगी और आईने में सिर्फ अपने आप को देखोगी। ओके? क्यों? क्योंकि मुझे अपना बच्चा एकदम तुम्हारी डिट्टो ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए। और रोज घंटों तक अपने आप को मिरर में देखोगी, निहारोगी अपने आप को, और क्या सोचोगी? कि बच्चे की आंख, कान, नाक, गाल, होंठ, बाल सब बिल्कुल ऐसा हो। प्रॉमिस? सब कुछ हमारे जैसा तो ठीक है शायद। लेकिन माइंड बिल्कुल अपने पापा जैसा होना चाहिए। माइंड अगर तुम पे गया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मम्मा का माइंड भी इज वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए क्या? लड़की? अब बेटा तो है हमारे पास, एक प्यारी सी बेटी मिल जाए, फिर हमारी होगी छोटी सी कंप्लीट फैमिली। वो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो। तुम जैसा पति पाकर जिंदगी की सारी शिकायतें दूर हो गई शायद। I love you too, Urmi. क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेम्स ने कल तक की डेडलाइन दी है, कहां से लाऊंगा कल तक पैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सम्राट, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है ना? क्या हो गया? क्या, क्यों बोल रही है ऐसा? क्या हो गया? मेरा इतना मूड ऑफ है, आई एम फीलिंग सो बैड, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा ना मुझसे। लो, अब इस महान औरत को क्या बताऊं कि मेरे मूड की क्या हालत है। बैंड बजी पड़ी है साला, इसे अपने मूड की पड़ी हुई। अरे, बिना दिमाग वालों के पास भी मूड होता है क्या? क्या हो गया, क्या हो गया मेरी बेबी डॉल को, मेरी बेबी डार्लिंग को, क्या हो गया? हम भी तो जाने। मैं नीचे से गुस्सा होके आई थी और तुमने नोटिस तक नहीं किया। अरे, वो आ गया था ना यार, जेम्स। जेम्स आ गया था, बिजनेस पार्टनर मेरा। पैसा मांग रहा था बिजनेस के लिए, उसी को अटेंड करने में लगा हुआ था। तुम बताओ हुआ क्या? और मैं माँ बनने वाली है, तुमने सुना नहीं क्या? तो कौन सा मेरे बच्चे की माँ बन रही है? इसमें इसका क्यों मूड ऑफ हो रहा है? तुम क्यों उदास हो रही हो? क्यों हो रही उदास? माई बनेगी ना, देश की प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएगी? तानी दीदी, पापा ने फौरन आप दोनों को नीचे बुलाया, जल्दी चलिए।
अब क्या हो गया? क्यों बुलाया पापा ने नीचे? पता नहीं, पर जल्दी चलिए। आओ देखिए जरा आओ। अरे भाई सब लोग जल्दी नीचे आओ। अरे जल्दी आओ फौरन। अरे ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने? जीजाजी अभी तो बच्चे के आने में टाइम है, आप अभी से ही शॉपिंग करके ले आए। और नहीं तो क्या, और क्यों नहीं करेंगे भाई? और फिर ये तो शुरुआत है, अभी आप आगे आगे देखते जाइए। हम अपने आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए हर रोज शॉपिंग करने वाले हैं। हाँ जी पापा, आपने बुलाया। हाँ कुर्मी यहाँ। देखो भाई ऐसा है कि हम सबको पता चल चुका है कि हमारे घर में एक नए सदस्य की एंट्री होने वाली है, राइट? तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने इस नए मेहमान के लिए एक सेपरेट रूम बनवाया जाए। आप लोगों के सजेशंस आर आल्सो मोस्ट वेलकम, लेकिन लेकिन उस रूम की इंटीरियर डिजाइनिंग हम खुद करेंगे। किसी को कोई आपत्ति? एनी ऑब्जेक्शंस? नहीं नहीं पापा, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। अरे मुझे है आपत्ति। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आने वाला बच्चा सिर्फ आपका ही कुछ लगता हो, मेरा कुछ नहीं। देखिए रूप तो मैं ही डिजाइन करूंगी, और वैसे भी मैंने उसकी कमरे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ऑलराइट, विश ग्रांटेड। अरे मॉम आप भी? मैं क्यों नहीं? वाओ मॉम, सो दिस इज योर रियल फेस। तानी, what nonsense is this? और ये कैसे बात कर रही हो तुम मॉम से? जैसे बात करनी चाहिए वैसे ही बात कर रही हो। तानी क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रही हो? एविडॉल क्या हुआ, बोलो तो सही। बात ये है सम्राट कि उर्मी की माँ बनने की खबर सुनकर मॉम खुशी से फूली नहीं समा रही, लेकिन मॉम ने मुझे फैमिली ना प्लान करने की सलाह दी थी। राइट मॉम, आप नहीं चाहती ना कि मैं मां बनूं? तानी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम मां बनो? मैंने सिर्फ वो सलाह तुम्हें इसलिए दी थी क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। झूठ है सब, छोटी नहीं हूं मैं। एविडॉल, सासू अम्मा ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ सम्राट, और मॉम ने मुझे पिल्स भी दी थी खाने के लिए। एविडॉल तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? मॉम ने मना किया था सम्राट, इसलिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया यार? फिर कोई दुश्मन ऐसा ना करे। इतना बड़ा गेम खेल गई आप? पर मैंने सुना था कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों के बच्चों को खाने में लगे हुए हैं, कमाल है यार। सम्राट तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकते, ये क्या तरीका है? ये देखो अब उर्मी मॉम की साइड दे रही है और मॉम उर्मी के गुणगान कर रही है। अब सास और बहू दोनों एक टीम में हो गए। वेरी गुड। रिलैक्स तानी, रिलैक्स। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें किसी बात के लिए मना किया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। व्हाई यू हैव टू ऑलवेज लुक एट थिंग्स इन द रॉन्ग सेंस? अरे तानी बहू एकदम सही कह रही है। अपने घर में खुशियां आ रही है तो आप सब लोग इतने खुश हो रहे हो, है? हमको तरसा रहे हैं। देखो हमारे भी कुछ अरमान है कि हमारा भी पोता हो, हम भी उसे खिलाएं, हमारे घर में भी खुशियां आए। पर नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया, और इसके लिए मुझे किसी को कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। आप रहने दीजिए मॉम, मुझे सब समझ में आ गया। तानी सीरियसली अब बस करो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। भाई आप तो चुप ही रहिए। ये आपने ठीक नहीं किया सासू मम्मा, बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। एकदम सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो, एकदम अच्छा नहीं किया आपने।
में नहीं आ रहा है यार, क्या करूं, कहां चोरी करूं, कहां डाका डालूं, कहां से अरेंजमेंट करूं 1 करोड़ रुपए का यार। अरे आप तक अरेंजमेंट नहीं कर पाए हो तो आप क्या करोगे, भूल जाओ, आप तो अपनी पीठ तैयार कर लो मार खाने के लाने का। हम तो रेडी हो गए, हमारे दिमाग पे ना पत्थर पड़ गए थे जो इतने चले आए मरम्मत खाने के लाने। चुप रहेंगे आप? अरे तुम चुप करो, चुप करो, कितनी बार तुमको समझाया है कि संभल के रहो, पर नहीं है। अपनी वो सासू मम्मा के गुणगान करते फिरते थे कि सासू मम्मा देखो तुम्हारी सासू मम्मा क्या कर रही है, नहीं चाहती तुम्हारी सासू मम्मा की तानी को बच्चा हो तुमसे, समझे? तो कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी एक ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बने? समती जी आप आप ऐसा कहे कह रहे हैं? आप तो चुपी रहे तो बेहतर होगा, अच्छी तरह से जानती है आप कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अपने लाडले बेटे के कच्चे चिट्ठों से तो अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगी आप, नहीं? नहीं डैडी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तानी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। बस बहुत हो गई तुम्हारे ड्रामेबाजी। तानी को अपनी जान कहते फिरते हो, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी जुबान की तो की कीमत है नहीं, अपनी जान की क्या कीमत लगाओगे तुम? एनीवे हम यहां तुमसे किसी तरह की कोई बहस करने नहीं आए, दो बातें करने आए हैं। एक तो ये कि तानी को समझाओ, उससे कहो कि इस बच्चे की बात को लेकर ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, ओके? और दूसरी सबसे अहम और जरूरी बात कि ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड बिजनेस पार्टनर है, दोबारा हमारे घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये कैसे घटिया इंसानों के साथ बिजनेस करते हो तुम? कितनी बदतमीजी से आकर कह रहा था कि मेरे 1 करोड़ कहां है, 40 से काम नहीं चलेगा एंड ऑल दैट। इस तरह से बेहुदा अंदाज में बात करते हैं क्या बिजनेसमैन लोग? anyway, हम भी कैसे भूल सकते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग इस तरह के गुंडा मवाली किस्म के लोगों के साथ ही तो मेल जोल रख सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग सम्राट, तुम हमारे घर में रहते हो, अनिरुद्ध सिन्हा के घर में। और इस शहर में हमारी इज्जत है, आइंदा से इस तरह के बदतमीज लोग हमारे घर में आए और इस घटिया अंदाज में हमसे बात करें कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखा जिस बात का डर था वही हुआ। जब जेम्स तो ना शक्ल से ही बदमाश लगता है, कोई अंधा भी देख के बता दे। इस सुअर को ना चाहे जितना भी नीला दुला के चिकना कर लो, मैला खाना नहीं छोड़ता है। और तुम्हारे कह देने से जेम्स तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। वाह भाई वाह, तुम भी बड़ी महान आत्मा हो। क्या जरूरत थी जेम्स को जे बताने की कि बिजनेस के लाने 40 लाख रुपए ले रहे हो तुम अपने घर वालों से? मैंने नहीं बताया उसको, ओके? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा, मैं बताऊंगा उसको। आकाशवाणी हुई थी या सपना आया था उसको, बताओ, बोलो। डैडी जी दरअसल मुझे कल 40 लाख की जरूरत है। सर कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ 40 लाख की इन्वेस्टमेंट मांगता है? थीम रेस्टोरेंट है। थीम रेस्टोरेंट? एक्चुअली हमने एक बिजनेस शुरू किया ना सम्राट, मैंने सम्राट ने बताया होगा आपको, 4 दोस्त हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बिजनेस है, थीम रेस्टोरेंट। थीम रेस्टोरेंट मामा यार, मैंने नहीं बताया उसको, मैंने नहीं बताया उसको, यानी 40 लाख वाली बात मैंने नहीं बताया उसको यार। तो कैसे पता चली इसको बात, घर की बात उस तक कैसे पहुंची? तुमको पक्के से याद है? हाँ पक्के से, अच्छी तरह याद है मुझे। मैंने उसे ये वाली बात नहीं बताई है, ये पक्की बात है। मैंने नहीं बताया तो किसने बताया? कौन है साला घर का आदमी जो मेरे लिए विभीषण बना हुआ है, कौन हो सकता है?
उर्मी क्या हुआ भाई, कहां खोई हुई हो तुम? उर्मी और ये दूध हाथ में पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए, तुम्हारी और बच्चे की गुड हेल्थ के लिए। प्लीज जल्दी से पी लो, कम ऑन पियो ना। शान हम पी रहे हैं। फिर से सम्राट और जेम्स वाली बात को सोच सोच के परेशान हो रही हो ना? निशान, सम्राट 1 करोड़ का इंतजाम तो किसी हालत में नहीं कर पाएगा और जेम्स आकर उसका भांडा फोड़ देगा, राइट? आई होप सो। आई होप नहीं निशान, तुम देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अच्छा होगा कि अगर जेम्स आकर सबको सब कुछ बताए, फिर उसकी सारी काली करतूतों के बारे में हम सबको बताएंगे, सबके सामने हम लेकर आएंगे। अब सम्राट सिंह राठौर एक एक रात इस घर में अपनी आखिरी रात समझकर बिताएगा और एक दिन उसका फांडा फूटेगा and he's gonna be out। ताने 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 सम्राट, why you calling me तानी? हो क्या गया तुम्हें? बस तानी, अब तुम मेरी बेबी डॉल कहाँ रही? कैसे, किस मुंह से, किस हक से तुम्हें बेबी डॉल कहूं मैं? What? हो क्या गया तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और ये क्या है? देख लो। डिवोर्स पेपर्स? ये क्या लाया तुम? बस तानी, बस भाई बस। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। सम्राट तुम पागल हो गए हो क्या? साइन में क्या हुआ तुमने इसमें? मैं और क्या करता तानी, मैं क्या करता और? आज तक सिर्फ तुम्हारे घर वाले मुझ पर शक करते थे, मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब तुमने तुमने भी साबित कर दिया कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया सम्राट? कुछ तुमने क्या नहीं किया तानी? अरे कब से मैं इस खुशखबरी के लिए वेट कर रहा हूं यार, कब से? कब कब के मेरा लल्ला आएगा, उसे मैं गोद में खिलाऊंगा और तुम खा रही हो पिल्स और मुझे जिस बात की खबर तक नहीं है। क्या है तानी, क्या है? और ये तुम्हारा मुझ पर अविश्वास ही तो है, और क्या है ये? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ तानी, बहुत बड़ा। मुझे माफ कर दो, I'm really sorry। बस तानी, बस। आज अंदर तक टूट गया हूं तानी, तो इतना परेशान हूं मैं। किसी का दो कौड़ी का सहारा नहीं मुझे घर में, किसी का। मुश्किल से एक नया बिजनेस शुरू किया, चंद पैसों की जरूरत है, मुझे कोई देना चाहता नहीं, मैं कहां से करूंगा पैसा? एक तो पहली इतनी दिक्कत चल रही, ऊपर से ये मैंने सुन लिया, मैं बता नहीं कुछ जिंदगी में यार। इसलिए मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मुझसे तो एक मिनट के लिए भी झेला नहीं जाता वो आदमी, ऊपर से तुम जब उसके बारे में सोच सोच के टेंशन लेती हो तो खून खौलता है मेरा। उर्मी, तुम्हारी नाजुक हालत में ये सब ठीक नहीं है, अपना ध्यान रखो प्लीज, बहुत फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी बच्चे के लिए। जब तुम हमारे साथ हो तो हमें कुछ नहीं होगा, और एक बार सम्राट बाहर गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सम्राट भी इस घर से बाहर निकल जाएगा और तानी की जिंदगी से भी। नहीं सम्राट, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकती और मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकती। क्यों? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कर सकती है। I'm so shocked सम्राट, और अब तो मुझे समझ में आ चुका है कि इस घर में मेरा कोई अपना है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। बहुत सही बेटा,
तुम्हारा नाटक रंग ला रहा है सम्राट। लोहा गर्म है, कर दो चोट।